लो स्टैमिना, पुअर गेम प्ले, जल्दी थक जाना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आपको ये सब प्रॉब्लम होती है तो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे स्टैमिना कैसे करते हैं। जी हाँ, आप लोग बॉल प्रैक्टिस करते हो, जिम ट्रेनिंग करते हो, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग फुटबॉल अगर खेलते हो तो स्टैमिना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि बाकी सब। और मैं आपको अभी जो सारे एक्सरसाइज दिखाऊंगा, जो भी ड्रिल्स है वो दिखाऊंगा, वो मैं खुद करता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत पड़ता है स्टैमिना के लिए। तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और अभी वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी चैनल पे नए वो लोग सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों को मिलता रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ फर्स्ट ड्रिल क्या है। आप जैसे देख सकते हो कि ये स्क्वायर में चार कोन लगा हुआ है, वन बाय वन ऐसे करके आपको लगाना है। यहाँ पे चार कोन लगाया हुआ है और यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है इस मार्कर से। सबसे पहले आपको इस कोन से उस कोन तक फुल रनिंग करके जाना है, जितना भी आपकी स्पीड है फुल रनिंग करना है। उसके बाद आपको पूरे कोन तक स्लो जॉग करना है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रिल को करने के लिए सबसे पहले आपको स्प्रिंट लगानी है और बाकी के एंड तक आपको स्लो रनिंग रखना है, जैसा कि आप इस वीडियो में एग्जैक्टली देख रहे हो। और पूरे कंप्लीट करने के बाद आपका एक सेट होगा। तो फ्रेंड्स, इसको आप मिनिमम 3 से 5 सेट के बीच में रख सकते हो, मिनिमम 3 तो रखना ही होगा फ्रेंड्स, अगर आप इसको अपने स्टेमिना को जल्दी इम्प्रूव करना चाहते हो, जल्दी इंक्रीज करना चाहते हो तो। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप स्टेमिना की ट्रेनिंग करो उस दिन सिर्फ और सिर्फ स्टेमिना की ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वीक में एटलीस्ट 3 दिन तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी, मतलब आपको अर्जेंट इम्प्रूव करना है, मतलब बहुत जल्द बहुत कम समय में आपको इम्प्रूव करना है, तो आप वीक में 5 डेज भी ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन बाकी की ट्रेनिंग आपका मिस हो सकता है। तो फ्रेंड, सेकंड ड्रिल है, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ये चार कोन लगाया है 10 यार्ड के गैप में। आपको भी ऐसे ही लगा लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं, और आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट कोन से। आपको फर्स्ट कोन से रन करना है सेकंड कोन तक, उसके बाद वापस आपको बैक जाना है फर्स्ट कोन में, उसके बाद वापस आपको थर्ड कोन में जाना है, वापस बैक जाना है, और वैसे ही लास्ट कोन के साथ भी करना है। अभी वैसे मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस ड्रिल को भी आप 4 सेट में प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर आप पहले या दूसरे ड्रिल में ही थक जाते हो तो इसका मतलब आपका स्टेमिना कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो इस ड्रिल से आपका हेल्प होगा, इस ड्रिल को प्रैक्टिस करके आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको स्टेमिना इम्प्रूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं जैसे कर रहा हूँ एग्जैक्टली आपको भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपको एक बोनस टिप्स भी देता हूँ कि जब भी आप स्टेमिना की ट्रेनिंग करो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्रिल्स और आपकी एक्सरसाइज हेल्प नहीं करेंगे, आपको उसके साथ साथ आपको एक डाइट भी मेंटेन करना होगा। तो जो कि मैं डाइट के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना चुका, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप देख सकते हो कि मैं इस धूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा धूप है, और इस धूप में प्रैक्टिस करने की वजह से आपके मुँह में रैशेज और एक्ने वगैरह भी आ जाती है। तो मैं इन सब के सोल्यूशन के लिए ये यूज़ करता हूँ प्लांट बेस्ड कोलेजन बिल्डर, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, और ये एक सप्लीमेंट है जो कि पाउडर के फॉर्म में आता है, जिसे आप पाउडर में मिला के पी सकते हैं। सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे बायोटिन है और विटामिन सी है, और ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसे यूज़ करो, क्योंकि इसे मैं भी यूज़ करता हूँ और इससे मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। और अगर आपको ये बाय करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ईजिली इसे बाय कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो भी सजेस्ट करते हैं वो पहले हम लोग खुद यूज़ करते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट ड्रिल, तो फ्रेंड्स, ड्रिल नंबर 3 है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक कोन को यहाँ पर सेट किया है और एक कोन को मैंने वहाँ पर सेट किया है, और इस डिस्टेंस को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, और अगर अच्छा होगा कि अगर इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा लंबी रहे तो आपको यहाँ से रनिंग करना है, आपको उस कोन में जाके स्टॉप करना है, और आपको 10 सेकंड वेट करना है वहाँ पे। आप अपने माइंड में काउंट कर सकते हो 10 सेकंड, उसके बाद आपको वहाँ से वापस से लॉन्ग स्ट्राइक करके इस कोन तक आना है ऐसे। तो आपको ऐसे 4 सेट लगानी है 10 सेकंड के रेस्ट पे। तो चलो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जब भी आप स्टेमिना ट्रेनिंग करो तो आपको अपने बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट देने की ज़रूरत होगी, जिससे आप अच्छे रिकवरी कर पाओगे और नेक्स्ट डे आप अगेन प्रैक्टिस कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको अभी ये 3 ड्रिल्स दिखाए, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये ड्रिल मैं भी करता हूँ, अगर आप इसे करेंगे, आप इसे अगर 3 वीक्स या फिर आप इसे 1 मंथ तक करते हैं, तो आपकी स्टेमिना इम्प्रूव 110% होगी। तो आप लोग जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अभी लाइक करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारे फनी वीडियोस रील्स फुटबॉल से रिलेटेड बनाते रहते हैं, तो वहाँ पे आप लोग हम लोग को फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।